गंज बहे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कसारा वीर कामिल कामिलारा ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਰਾਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਓਏ ਬੁੱਢਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਰਕਮ ਤਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਹੋ रब दी अपने सीने लाड़ ली उस गरीब करीमे का जरूर भार बढ़ावा किसी के मोढ़िया का भार कौन चुक सकता है जिसे मोढ़िया से पवे उन्हें चुकना पैंदा है गल तो ठीक है जी साबरा दे अब्बा पर शरीफा जी इज्जत नाल अपने सहुरे घर शाहपुर पहुंच जाए तो मैनू इंज लगना है जिवें मैं अपनी जिंदगी का सब तो वड्डा काम कर बैठी हाँ पर मैनू तो तू शरीफा की परजाई घट तो मां बहुती लगनी
मैनू तो इंज लगता है जिमें तू अनु अपनी धी साबरा नालों भी बहुता ही प्यार करनी। प्यार भी क्यों ना करे लाला, मैं भी तो भाभी दी ननान बन के नहीं धी बन के अच्छा बननी है। क्यों भाभी चुंदी रोती है? अशके भाई और तेरे जिहा भी इस दुनिया से घट ही कोई खुश नसीब जमना है करीबिया, जेड़ा भावे रज के गरीब है पर इस घर रब ने सुख भी रज के ही दिता है। हूं अपना मुंह बंद कर लिया करीमिया, ओ भाइया कदरे हसदे घर आप ही नजर ना ला बैठी। चल चल सीधा काम चल। की गल है भाभी, कि सोच पै गई? जो भी तू घरों बहर जानी है धीए तो रब के सौन चिर मेरे सौखे रहते हैं, जदों तक तू घर वापस नहीं आ जाती तू मेरी अन्नी कानू फिक्र करनी है। भाभी मैं धी से इन्होंने दलीजा के अंदर आके बननी हूँ, बाहर तो मैं तेरा पुत्र बन के जानी हूँ। चल तू हूँ हांडी चूल्हे तो रखने वाली गल कर तो मैं खूह तो पानी ले आवा। जो भी धी इस घरों बहर गई है मेरे रब्बा तो मैं उन्होंने तेरे ही हवाले किया है, इसलिए कि इस पिंड के मालकों को किसी की धी भैन की इज्जत का कोई पता नहीं। पता तो मेरा उसे वे लग जाता गरीबों आसरा, जो मेरे घोड़े के सुमर की धमक उन्हें तक पहुंच जाती है तो फिर जो मैं उसकी जी शूक मारना फिर वो गिद्दड़ कमरे जाके पनाह नहीं ले सकते। इसलिए वो गरीब मिट्टी वांगू ताजे पैरों की जुत्ती न लगे रहते हैं, नहीं तो कमीने हार भी नहीं बढ़ते पैन। और मेरा नाम सिकंदरा जगीरदार है जिन्हों वेख के रब ने मौत बनाई थी, सिर तो लैके पैरों तक असी तेरे खादम और बाले की मां लाडिया करो ते मैं जरा खूह वाला मामला नबेड़ा वा। चल साके मेरे नाल मैं अपने घर का पानी भर लिया जी। हूं तुम इतने बह के ना रल के अपने अपने व्याह दिन गल करो। नहीं व्याह पिटी है बहार लगे इंज तुर पई है जिम्मे उसे तेरे शाहपुर वाले नाम दिन मिथा आई हुई दिन भी मुकदरा वाले ने मिथे जाते हैं पेखिए तेरे वागू थोड़िया जिन्हें गंज का लाड़ा वेखा मुंह च पानी भर आया नीच नी गाए तो बुलना ही लाए नीचे थप लड़े कि दस सड़िया मेला मार के गई है। मैं क्या अपने पिंडे ते एडा जुल्म क्यों कर रहे हो? ताड़ा पिंडा ते एक फुलता भार नहीं चुक सकता, तुसी एडा भारा कड़ा चुकिया है कहो तो मैं हाथी चुक के छड़ा वा। रे पैन समझ के हुज्जत कीती हो कि अपने चौधराहट दा रोप पाए? ओ रोप तो मैं इन्ना पा सकना कुड़िए कि मैं आसमान और रात वेले तक्का दे तारे टुट के थले डिग पैंदे ने ते बाकी मैं तेरा ना करा। रे फली नीयत नाल मेरा राह छड़ दे, जे मेरे वीर नूं तेरी इस बेहयाई दा पता लग गया तो उन्हें तेरे टोटे कर देने। और तेरा वीर तो मेरे गुस्से लिए अख दे लिशकार ना मर जाएगा, बाकी हूं मैं तेरे तो ठीक करके भेजागा। मैं इस पंजाब की धी बन के तेन हया वाला सबक दे चली हूं। सबक तो मैं तेन यो जहा दियागा तो तेरिया सत पुश्त याद रखनगिया। मेरा नाम सिकंदरा जगीरदार है जिन्हों रब ने वेख के मौत बनाई थी। तेरिया अखां दे अथरू ते तेरे खिल रहे वाल मैंने करीब कादी रसी तकदीर पे दस देने। बोल शरीफा किसी ने साड़ी गरीबी नु गाल कड़ी है कि तेरी जवानी का मातम कीता आज आज जो कोई होया बाबी जो आज तक दौलत आले गरीबा नाल कर दे आए ने जागीरदार ने मेरे दुपट्टे नु भी हाथ पाया ते नाले मेरे वीर दे पग नु भी मिट्टी च रोना चाहे इस कड़ी नु होनी का वार समझ के अपनी जबान बंद कर ले शरीफा कि जब तेरे प्राण सिकंदरे की इस गल से पता चल गया तो फिर याद रखी तेरी डोली भी सड़ जाएगी ते इस मासूम ने भी ऐसी उम्र यतीम हो जाना। ओए जितनी इतियां ते पल के जवान हो ही जाते हैं रहते पर पैरों की इज्जत नु हाथ पाद वेख कर जो भरा चुप कर वेंदे ने उन्होंने मथियों से काम तक बैठी की मौत लग जाती है। और मैं आज सिकंदरे के टोटे करके तो जगीर दे आले दोले पत्ते आगा एक बहन का प्राण बनन तो मैं तन्ने रोक दी
मैं गरीब घर में जन्म जरूर लेता है पर जवान मैं गैरत से जीता तो मैं चुप नहीं हो रह सकता। अपनी मजबूरी दस दी है पर मैं हूं बहुता चिर शरीफा इस तरह इस घर नहीं रहन दियांगा। मैं हमें भैन दानी ब्याह की गल पक्की करने ले शाहपुर भेजना वा। अल्लाह ताड़ी इज्जत का मान रखे इस धरती की हर तीह के मुकद्दर चंगा करे। चंगी गल तो कौन इनकार करता है भरावा। उंज मैं अज ही शाहपुर जावांगी ते भैन नाल सलाह करन दे बाद मैं तेनू अपने भरा दे ब्याह का पक्का दिन दस देना। बहुते दिन से गल ना पाई भैणा मेरे गरीब ते मजबूर मुंडे हुण भैन दे पार नूं बहुता चिर नहीं हो चुक सकदे। इहो जी गल है ना ते मेरे वालों तू परसों का दिन मिथले ते रह गई भैन की गल उन्हूं मैं आपे मना लांगी नाले जांजी भी ते खैर नाल शाहपुर ही होनी है। अल्लाह तेनू खुश रखे भैणा मेरे गरीब का आखिरी बिला सौखा कर दे। वालेकुम सलाम। मैं तेरे नाल मासे दे पिंड जावांगा मां नाले सैल करांगा नाले अनवर यार मिलावांगा। जिवें तेरी मर्जी अकबर पुत्र मैं अनवर नूं पनेवा नहीं सक्का पुत्र समझनी आ। अज ही मां पुत्र उन्हां दे घर जावांगे ते भरा करीमी दा पार वंडा आवांगे। मैनू समझ नहीं आउंदी उन्हूं केड़े सालमा ने डरा दिता। मशहूर कहार दिते ने उन्होंने सारे घर पहुंचाया ते जे दिता नोटा तो विक सकता है ते फिर शरीफा की डोली इस डेरे की रौनक बन सकती है। तू बड़ी सियाणी गल की फिर उन्हें मेरे डेरे से लाया। हमेशा पैसा खूब बन जाता जगीरदार जी खूब पैसे को नहीं आता। तू पहले नो भी सियानी गल की साखिया मैं हमने चिट्टे के घर जाके नोटों की हनेरी चला दिया। मैं वेखांगा लाड़े की वड्डी भैन दानी शाहपुर पहुंच के व्याह का दिन किवें मिलती है। ते फिर मैं ते परसों का दिन मिथ आई हूं ते तेनों भी हर मुल मनना ही पड़ेगा। जे तू हां कर ही आई है ते फिर मैनू काटा नहीं कर सकता। क्यों भरा शिशु तुसी दोवे मेरिया भैणा नहीं मावो ते ताडी जिंदगी विच मैं कदी नहीं बोल सकता। ते फिर तुहानू सारिआं नूं मेरे वल्लों मुबारक होवे। मैं अज ही पिंड जा के करीमे नाल गल पक्की करदे ही वापस आ जांगी। असीं दोवे भरा मुन्ने व्याह दे संभाला बणांगे मां। मैं ते कदी अकबर ते अनवर विच फर्क समझिआ नहीं अनवर ते नाले पहला पिंड जांदिआं दित्ते धार नूं मेरे वल्लों इन्ना जरूर कह देवे कि इस वार साडी डोली सज के सजावे। डोली सजाण दी गल भरा दित्ते नाल पहले ही घर आई हां। तू किड़ी चंगी है मानो धीए मां ने मरण तो बाद तू कभी प्यो तंग नहीं किया इसलिए तो मेरे जान तो बाद सारे हमसाए तेरा ध्यान करते ने। परसों करीमे दे घरों जिनी रकम डोली बिठाई दी मिलेगी ना उसे मैं तेन बहुते सारे खिडौने लिया के दियांगा। गरीबों के घर से तुम जगीरदार जी मैं सुता पियावा कि जागना वा। उन्हीं से जागना जितया पर इंज लगता जिमें गरीबी ने तेरे मुकदरा सुहा दिता हो कवे तो तेन हथी नोट दे के माला माल कर दिया। जगीरदार जी मैं तो पसीना बगा के रोटी कमा के खान का आदि हाँ मैं नोटा नु की करांगा। गरीब होने के नाल नाल तो खुददार भी पर मैं नहीं दिता ये डोली कि तैयार कर रहे हैं ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ।
देते हैं। मेरे सवाल का जवाब ठीक तरह दे। जवाब सुनना चाहना ते सुन। तू हजारा मुरब्बिया का जागीरदार होके मेरे जमीर का मुल पान आया ते मैं कली इस डोली का मालिक होके तेरी अमीरी ते लंगत पाना। मेरी अपनी इज्जत डोली दी है ते पत्ता का जागीरदार। ओए मैंने भी सिकंदरा जागीरदार कहते ने जिन्हों वेख के रब ने मौत फड़ाई थी। खुशियां गल्ला करने वाले फिरौन ते नमरूद नहीं रहे ते तू किवें रह सकना जागीरदार। तू इस डोली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसलिए कि यह डोली सरकां दी उस धरती तो उठन लगी है जिथे गैरतां वाली रावी बगदी है। इस धरती ते रहण वाली एक शर्मा वाली भैन छड चली वीर दवेड़ा लेके रोंदे ने अथरू वीर तो जान न डरके पापी सगुरा दे नल पोते हे धरती दाता जी। बचारी बोल न सकदी रो रो के समझांदी माँ वरगी पापी कोलो मैं नहीं जाना चांदी पर दुनिया दा दस्तूर वीर तुरन उते मजबूर हे परती दाता जी। जान दे पैने चुकते जेड़े डोली दाए पार ए होने ओ शेर जिनानू आखन लोक कहार आखन लोक कहार हे परती दाता जी। अभी डोली ते आ गई जी हुण बहुती दा कब्जा करन लई सानू भावें लाश तो भी लंघना पै जाए आसमान दी बिजली वांगू लंघ जा। तुसीं फिकर ना करो जागीरदार जी अज वोटी शाहपुर के बजाय जामपुर के हवेली सवारियात बनाएगी। ओए मेरा नाम ही सिकंदरा जागीरदार है जिन्हें वेख के रब ने मौत बनाई सी। ओए आ अग्रिमा जागीरदारा तू
ਸਾਡੀ ਚੰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੇਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲੀ ਵਿਛਾਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਓਏ ਹਰ ਕੁੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ अपने खावन का इंतकाम सिर्फ तेरे को लवेगी गल तो ठीक ही आखी है करुण बाबा कले होंगे तो खबरें ना ही जाती पर इस मजूम की खातिर मैनू मापिया का पिंड भी छड़ना ही पैना कोशिश ना करी नहीं तो गोली मार देंगे हूं भावें गोली मार दावे फांसी ला दो थानेदार जी मैं अपनी भैन की इज्जत बचाने लिए जागीरदार को मारिया तो इनकार नहीं करता पर एक जुल्म मेरे नाल जरूर होया जेड़ा रहम ते साबरा नूं लै के पता नहीं कित्थे टुर गई कातलां दा साथ कौन दिंदा जालमा ला लो इहनूं अस्कड़ी हुणे चुदराणी नूं हवेली जाके इस कातल की गिरफ्तारी वालों खुशखबरी सुना खुशखबरी मैं वो मिलनी चाहिए कि तुसी ओदे बाल बच्चे ने लग के ओदे नाल नहीं छोड़ लिता है असे पहला पिंड दा चप्पा चप्पा लम मारया चुदाने दे पर सानू ए टब्बर दे कदे हथों नहीं मिले नहीं मिली ते मिल जाएगी तुसी रूह ना छड़ना मैं आप खुदाई कह बन के लग लांगी मैं भी उस सिकंदर जगीरदार दी बहुती हां जिनू वेख के रब ने मौत बनाई थी तेरी दुख देने वाली कहानी सुन के मेरा भी रोन ते जी कर आया है भैणा
हम तो तेरी इमदाद करना मेरे ते एक फर्ज हो गया है। इंसानियत दी लाज रखी है पैना, रब हर घड़ी तेरी शरमा रखे। नाल दे पासे मेरा एक घर वेला है, दिने इतने काम कर दी रहा कर, ते राती उत्थे इज्जत नाल सिर लुका लिया। अल्लाह तैनू जिंदगी दे ते हर पल तेरे सिर च ओदिया रहमत नाल चलो। बदमाशी कभी नहीं करांगा, पर रब दा वास्ते इस गल दा जेलर साहब नूं पता ना लगे। जा फिर अपना काम कर। चलो भाई तुसीं सारे अपना काम शुरू कर दिओ। वाह भाई चाचा वाह, मैं बुढ़ा होण हो ते तेरे जा बड़ी फटक है चाचा, तेरे ते है तेरी फटक वेख के मैनूं अपने यार बाला भुल गया बिल्कुल। ओए उहनूं ते मैं इस धरती ते बड़ी फटक वाला जवान समझना वा, पर तू ही इस वेले सके पुत्रां नूं वध काम विखाया। यह तो हर जवान पुत्र का फर्ज होता है चाचा, क्या बुजुर्गों ने अपनी जान की बाजी भी ला दे, और तेरा बाल बच्चा दुआ देगा ना। की होया चाचा? बाल बच्चे का ना ले मैं इंज लगा है पुत्रा जिवें मेरा अज ही घर उजड़े। वो किस तरह चाचा? यह बड़ी लंबी कहानी है पुत्रा, किसी ने फिर सुनावगा। हाली तो मैं इन्ना ही याद है, एक मेरी गरीब जी बीवी होती सी, उसके नाल एक पटोले वर्गी थी जिहड़ी रब दे फजल नाल मेरे मोढ़ियां जिहड़ी उच्ची हो गई होनी है। उच्ची हो गई तो की होया मां, तैनू तो हर वेले मेरा ही फिक्र पिया रहिंदा है। गरीब घर दी धी जिड्डी जवान हो जा पुत्र, मावां दी फिक्र उल्टे ही वध जांदे ने, ते नाले तेरे सिवा मेरे दुनिया च है भी कौन। देखी मां तू अच फिर मेरे नाल रोन वाली गल्ला शुरू कर दी, तो याद रखी जे मैं कभी रो पई ना तो फिर सारे दिहाड़े तेरे को चुपने को ना। नहीं चुप तो मैं तेरे गवा लांगी गल्ला दी गल, हर वेल मां नूं ना तंग कर दी। नहीं तीए अल्लाह साबरा जी तीआ सारे जान नूं दे दे। मां घर के सारे काम मुका लैन, हुण मैं रानु दे नाल खेडां। लख लख वारी जाती है पर वेखी छेती आ जावी। चंगा मां चल योली मां। निकी जी सी ते प्यू छड़ के जेले तुर गया सी, ते हुन जवान हो गई है, एदियां खेडां दा तू ही राखा है। हाय रानू किन्नी सोहणी अम्मिया ने, हाय नी बड़ियां खट्टियां ते मिठियां हो गईयां, ते फिर सोचनी की है, चुकवटे ते शुरू हो जा। मात दे जा गरीबे बाल नू। हाय हाय नी कोई पंजा गया ही, चल आ फिर उनका हाल पूछे, इन्ना रुक मुसीबत ही पाई हो। चल आ जा। हाय हाय हाय, और छेती ना पट्टी का बंदोबस्त करो, मेरा तो खून उबुल उबुल के बाहर भी आ रहा है। पट्टी बननी है। ठहर जा, तू खलोती की मुंह पे गई नहीं, पानी लाके आ।
मेरा संग बै खुश हूं हाँ मामा शेर अच्छा तीजा अच्छा तीजा तू बह जा बह जा बह जा हूं तेरा की हाल तालू वेख के पीर तो कट गई है पर खून बड़ा पे उछलदा मेरा खून कितने गया मेरा खून किने पीता है चुप कर जा डांबर दो कलिया कुड़िया नु वेख मजाक करन लगे शर्म नहीं है तेनु तेरे जी सोहनी कुड़ी नु मेरे जे सोहने खूबसूरत जवान दे सिर च वट्टा मार लगिया रहम नहीं आया ओ गल कर बोलदी क्यों नहीं हुन बोल बोलदी क्यों नहीं वे जिथे फलदार दरख्त हो उथे वट्टे जरूर पैंदे ने मैनू कमाल्टे लगे होए सन पर तू एक गल याद रख जिथे तेरे दीयां सोहनियां मुटियारा आउणगियां उथे मेरे जे गबरू जरूर आंदे ने गबरू च मुटियार दे झगड़ा की शुरू हो गया ए पानी किस काम आएगा इधर मेरे वल करनी ऐसा मारा है तू बड़ी ज्यादती की है पर मैं तेनू की आखा तू मुटियार भी है ते माशाल्लाह सोनी भी है एहो कहना चाहवे सुनो और नहीं नहीं ये गल नहीं मैं तेरा नाम पूछना चाहता था खबरदार नहीं इन्नू ना दसी कि मेरा नाम साबरा है वाह भाई वाह नाम तो बड़ा सबर करता है पर तबीयत बड़ी सख्त है चल भाई अनवर चलिए किधरे सच्ची मुची बेसबर ही ना हो जाइए बेशोखिया किसे था दिया तेनू किन्ने पूछा सी कि तेरा नाम अनवर है वो तो मैं इसलिए दसिया कि शायद फिर किस दिन इत्थे ही मुलाकात हो जाए ते झगड़े दी था मेल मिलाप दी को गल हो जाए चल अगे बात ना जा इन्ना कोलो भी बेइज्जत करवाया जे मैं जा गया बहुत दूर चला गया क्यों हाँ, कुछ नहीं कुछ क्यों नहीं मैं इंज लगता जिम तू नाल ही लगी गई ओ कौन होंगे मैं नाल ले जाने वाला ओ तो कोई नहीं होंगे बेचारा पर तू ही लगी जाने वाली शहर ठहर जा मैं तेन ठीक करनी हूं Hi.
सोचते चाहते अनवर जी? तकदीर दियां खेड़ां दिया सोचना, जम्मिया इसे पिंड शाहपुर मां दे मरण तो बाद मासी ने पुत्रा वांग अपने पिंड जामपुर पा लिया, तकदीर वाही करने फिर इथे लै आई, ते अज इसी पिंड की कुड़ी ना प्यार ही हो गई। ऐ तो बड़ी खुशी की गल चौधरी जी, जे आखो तो उस मुटियार के घर जाके रिश्ते की गल पक्की कर आईए। ओ बैठ वड्या कालिया, मैं सब तो पहला जामपुर अफड़ के रख अपने मासी दे पुत्र भरा अकबर नाल गल करांगा। पर आसरे तो जमीना ते टुर गया। वाह शहजादे यार, है तो गाजी मरदे पर जवाना नालों जीदार है, और जी करदा हर वेले तेरी सेवा ही करते रहिए। गल सुन, सेवा करनी थी अपने बोधी यार जी कर, ये शहजादे ने तेरे काम नहीं आना। मैं हर वेले बकवास ही ना करता रहा कर, मेरे नु आके किले नाल बंद है। मैं क्या हुक्म होवे ते शहजादे नु निके हमाम ते ला जावा, मेरा मतलब तेरा मैं इहदे वाल भी कटवा देंगा, चंपी भी हो जाएगी, बदनहौला हो जाएगा। जो मर्जी है कर, मेरी नजरों तो दूर हो जा। चलो बासी ना लाया की होए राजा दरे। अच्छा गल है कि दूर हो जा की, इत्थे कमुटियारा ने हमला करना है, और जे हमला करनगे भी ना ते विच मेरी बसुर आनी जरूर होगी, ते मेरा हुण सलाम जरूर कह दे। हां अस्सलाम वालेकुम। मैनू तो किसी नबीने की बेटी लगती। बकवास ना कर, वेख्या नहीं हो मेरी शहजादी खेड़ी कि चंगी लगती है। चंगी लगती है चौल जी, तुम भी बचपन चुड़ेल डंडा खेड़ते बहुत चंगे लगते सौ। मैं मुश्का कस देंगा। कस दो फिर, लै मुश्का कस देंगा, पेच कसदा पुत्र। फड़ी नहीं गई, फड़िया गया, ते जे साडी बाहन फड़ी लईओ ते इहनूं छड्डी ना। बैठ जावे तुरले खां, तैनूं शर्म नहीं आंदी? बंदा होवे कुड़ियां दे राह खलोना। ओए हर कुड़ी नूं असीं अपने राह दी मिट्टी समझने, पर तेरे पैरां च बैठण दा शौक है। हाय हाय हाय, वे बड़ा पैरा शौक है तैनूं। ओए तेरा ए शौक मैं पूरा कर देंगा। ओए जवान कुड़ी टट्टा का बिठा ले, अपनी मौत नूं आवाज ना मार, अकबर नहीं तो मैं मुश्किल कर देंगा। पर तू ही तो मेरे तो चिड़ के चंगी रीझ लाई। लांदा कि तू साडे पिंड दी इज्जत है, ते नाले उस घड़ी ते मैं तैनू अपनी इज्जत समझिया था। हाँ मैं मर गई अपनी इज्जत।
पर एक गल सुन के तू घबरा क्यों गई? बस एवं तेरा अज का यह झगड़ा तो सानू उमरा का रोग ला गया मुटियारे, इस लिए तो मैं तेरे तो बदो बदी चिड़ पिया सा। तूने चिड़दा ला तो बाले ने तेरी पग मेरे रोल देनी सी। पुत्र अकबरा, जे अज तू मेरी इज्जत तो चढ़िया तो रब तेरी इज्जत ना राखा हो गए। वाह ओए बालिया, तेरे प्यू ने इस पिंड का फिरौन बन के खुदाई का झूठा दावा किया, रब ने ओदे ते अपना अजाब नाजिल कर दिता। हुण तू दौलत दे नशे विच इथों दा खुदा बनिया है ते रब तेरी शहरत भी जरूर वटेगा। अल्लाह वेला छेती लिया रहा नाला, हाले ते मैं इन्ना ही जानी हाँ कि वह बगैरत बैठा होया फेक कर रहा होना। कुट कुटैया करांगे ते तां ही बचांगे चौरी जी, नहीं तेरी गुजिया सटां ते बंदे नूं गिट्टियों गोडियों लाए बैठदियां ने। उंज उस रोड़ी कुट दे पुत्तर ने तुहानूं मारिया बड़ी बदर्दी नाले। मेरा नाम है बाला सिकंदरियाल है, जिस दिन मेरी दार थले आ गए चिथांगा कि अरग कट के रख देंगे। मैं क्या चौरी ताडे दंद ने के बदाम रोगन कढ़न वाली मशीन है। मैं क्या बेबे होनी आ गए जी, तो हुण रौला पाना शुरू कर दो, चीका छड़ दो, बिल्कुल यह पता लगे तो तुहानूं हलकाए कुत्ते ने चक वड्डे। देख की होया, किन्ने चक वड्डे मेरे नाल नूं? मैं तो नहीं वड्डिया जी, एक मूंह जोर घोड़े ने चौधरी होरां नूं अपनी छटाले वाले दंदां नाल चक वड्डिया ते चौधरी हरे हो गया ते बकवास बाहर कर दे। अच्छा जी बाले पुत्रा, जे इहो जिहियां सट्टां नाल तू लम्मा पै गया ते कल नूं उस कातिल कोलों अपने प्यो का बदला किस तरह लवेंगा? मैं उहदे कोल अपने प्यो का बदला इस तरह लवांगा मां, प्यो का हशर लोग हशर तक नहीं भुल सकणगे। जरा उहदी शकल मेरे सामने त्यार लैंदे। जिंदा रहो पुत्रा, जिंदा रहो। अच्छा चौरी जी, मैं हकीम कौडे शाह को जाके ताड़ी दवाई लै आवां। ओ इहो जिहा सियाणा हकीम ते सारे पिंड च नहीं हैगा, मेरा भी ओही इलाज कर रहा। तुहाडी जोड़ भी इस इलाके च कोई नहीं हकीम जी। इहदे च की शक है। हकीम जी की गल? माफ करना, गल ए वे कि कुड़ी नूं वेख के मेरा पिंडा ठंडा ठार क्यों हो जांदा है? ओए होए होए, एहो बीमारी तो लभे कमियार दे खोते नूं भी सी। अच्छा अच्छा, जिन तुसी अपना पुत्र बनाया है की बकना? ओए मैं खल कर देंगा। अच्छा हकीम जी छड्डो गुस्से नूं, तुसी मैनूं उहदा इलाज ते दसो। अच्छा सुन, जिन्नी छेती हो सकता है काढ़ू छला बगदादी लैके हरण पोपो ते कालियां मरचां च खल करके नक च पा के उल्टा सौं जा। उल्टा सौं जा? मैं जमगादड़ दे नसल चो आया ना। वाह हकीम जी, मां ने बड़ा अच्छा इलाज दस्या जी, क्या चिड़िए का गोले वर्गा मूंह है तुहाडा। बकवास ना कर, नखल कर देंगा। अच्छा खामोश हो जा, बल्कि बिल्कुल बेहोश होके अंदर जाके मेरी बड़ी धी नन्नी को अपनी दुआ दियां पूड़ियां लिया चल। अच्छा हकीम जी, मैं क्या हकीम जी की गल? अंदर तो मैं चला जाना, किधर अंदर हल्का कुत्ता तो नहीं जो बने हैं? वो मैं खल कर देंगा, बकवास ना कर, चला जा जल्दी। मिर्गी पमी वो दस, तेरे घोड़े नु की तकलीफ है? हकीम जी घोड़ी नू देख के मैनू दलत्ता मार दो जी। तेनू अखा मारे, उथे जाके बह जा, अंदरों बोधी कुड़िया लैके आंदा, ओदे विचों अपने घोड़े दी दो कुड़िया तू ही ले ले। अच्छा चल। हकीम जी, ओ हकीम जी, ओ हकीम जी, हकीम जी नामा नीम जी है ताडे सामने खड़ोता है, जतीम जी छेती नाल दवाई दे रहे हो। ओ चौधरी बाले ने टांगे दे पासे पा दित्ते, ओ मैं खल कर देंगा, की बकवास करना होए? माफ करना, पुट्ठा ही निकल गया। और मैं क्या पा टांगे चौधरी दे पासे पा दित्ते नो, मंजी दे पै चीका मारन दियो, अंडियां उतों कीतियां समान नाल गुजर जाएगा। मैं तेनू खल कर देंगा, ऐसा कर छेती नाल इक पासे होके बह जा। तुसी इत्थे बारह टेणी खेडन डे हो? बकवास ना कर ओए, मैं ते कहना दवाई दे रहे हो छेती नाल, नहीं तुने हलकाए कुत्ते नू कर दे चक्कीए मड मड फौत हो जाणा, गुजर जाणा मर जाणा। ओहो हो हो, ए नन्नी धीए छेती नाल अंदर आए मरीज नू फार कर पुत्रा। ऐ लो बोधी जी अपनियां कुड़ियां। क्यों डरानी है पिंड दियां कुड़ियां? मैं कह डबल पर दी कंपाउंडर, मैं तेनू किधरे पहले वेख्या है, आ डंगरां दे हस्पताल तू कट्टे दी अख च दारू पान डई। तुसी ठीक कहंदे हो बोधी जी, हकीम जी ने मैनू हस्पताल दी नौकरी छुड़वा के ना ते अपने को लै आंदा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ते हफ्ते च किन्नी दफा राशन मंगवांदे ने? एहो कि दो तीन वार मंगवा लैंदे ने। अच्छा, दा मतलब तुसी अपनी खुराक घटाती? बिल्कुल, हुण तक बहुत ही घट खानी है, पर एक गल अपनी धी वसू नालों ना मैनू ज्यादा प्यार करदे ने। ठीक है,
ਮੱਝਾਂ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਨੰਨੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰਾ ਮੇਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਮੱਝਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਵੇ 'ਚ ਵੜ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਨੰਨੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਸੁਣਨਾ? ਕੀ ਭੌਂਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਓਏ ਕਸੂਰ ਦੇ ਝਾ ਚੂਹੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੌਜ਼ਬਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੇ ਬਈ। ਓਏ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਖੁਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਰ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਛਿਣਕ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕ ਫੂਕ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਗੋਰਕੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੜੀ, ਵੇ ਜੀਰੂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਵੇ? ਲੜ ਤੇ ਬੋਧੀ ਰਿਹਾ, ਵਸੋ ਜੀਰੂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਹੋ ਬੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੀਸ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਖਬੀਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਛਿੱਤਰ ਕੁਆਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਬਵਰਚੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਡੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੱਸੋ ਤੇਰੀ ਭਜਾਈ ਜੈਨੀ ਕਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਕੇ ਬੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ? ਹਕੀਮ ਔਰੀ ਆਦਮ ਖੋਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਹੋ ਅਕਬਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬੋਧੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੀ ਬੱਲੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਲੁਕਾਣਾ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸਾਬਰਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਲਓ ਬਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਕਿਹਨ ਕੌਂਡੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ। ਪਰ ਅਨਵਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਫੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਖਰੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਸ਼ਫੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਆ। ਚਾਚਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਰੱਖੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਚੱਦਰਗੜ ਫਸਲਾਂ ਮਾਂ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਈ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਈਏ। 25 ਰੁਪਈਏ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਭਰਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗੇ। ਹੈਂ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ 25 ਰੁਪਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਤੇ 20 ਤੇਰਾ ਮੁਨਾਵਾ, ਜਾ ਮੌਜ ਲੁੱਟ ਪਾਈਆ। ਇਹ 20 ਤੇ ਇਹ 5, 100 ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੈਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਰੱਖੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਬੋਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਥਕੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥਕੇਵਾ। ਲੈ ਬਾਨੂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੁਟੂਨੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੇਤੀ ਆਈ? ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਡੋਟੀ। ਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਆ ਚੁੰਝ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਬਾਬੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਆਪੇ ਬੁਝਲੇ ਚਮਕਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਸੁੰਡੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੇਟੇ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਗੋਲਾ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਅਰੇ ਬਹੁਤੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਵੇ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਮਰ ਜਾ ਕਿਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰਿਹੋੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹਾਏ 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 ਕਿਆ
रेवड़ी वर्गा मुंह तेरा भी आनंद अगर तेनों सीधा करा लेनी उन्हें एक कसून लाना तो तू उ जा पैना आ उ जा पैना उन्हें कसून के नाल थौला फिट कराया और मैं किसी अकबर ते अकबरी मंडी नहीं जानता मेरा ना अपना बोधी ना है क्यों बोला कौन बदतमीज है जिन्हें मैंने चमचे वांग बुलाया बकवास घट कर पानी पा तू अजे तक पानी नहीं पीता और मैं कहना बकवास घट कर या अल्लाह या तो मैनू मार दे ते या ते या या मेरा विवाह कर दे चल दफा भी हो ओ तेरा रिश्तेदार हूं कल्ले ही रह गया मेरे होंदे उन्हें डर जाना है ना मैनू ते पागल कर दिता है ना मेरा ख्याल है तू किसी पागल खाने चला जा ऐसे खलो के मैनू की भुलेखे च पा रहे लेखा तेरे चिट्टे मुख ने पाया जिन्हें आप आके मेरे हनेरे घर च प्यार दा चानन कर दिया ले मेरे को लाल टाना मैं दूजी बारी इतने नहीं आना तू बेशक ना मैं तेन इतने कयामत तक उड़ीक रहा हाँ हाय वे मतलब दिया ऐसे मैं तुझे तो बाले मारा सही बिल्कुल जिंदगी खतरे च पाया है ताई ते प्यार लब ठीक है ठीक है तेरे जो जवान पहले किसी मुटियार तो चिड़के कहते ने असि अपना फर्ज पूरा किया ते फिर कहते ने ते फिर ले भी कुड़ी फस गई ले भी कुड़ी फस गई ले भी कुड़ी फस गई कुछ मुंह में नहीं बोली कोई गल भी नहीं खुद पर आँख ने तो सब कुछ दस गई ले भी कुड़ी फस गई ले भी कुड़ी फस गई बड़िया सच्चिया गल की ने ताई तो दिल धड़कन लग पे है ओए चोरा ते बगैर तो दिल धड़कते ने ताई फड़े जाते ने झूठिया गैरतमंदा ओए उस दिन भी मैं तेन तेरे बेगैरती की सजा दिती थी ते अज मैं अपने प्यार की खातिर तेरा चेहरा बगाड़ के जावांगा ओए तेरिया मुश्किलां ते मैं फिर दसांगा पहला मैं झूठी हीर दे प्यो नाल ते गल कर लवां ओए दे प्यो नूं मेरी हवेली च बुला के लिया होए मुसी होए बापा बाले ने मेरे अब्बू नूं हवेली बुलवा के गया फिक्र वाली गल ही कोई प्यारे से हजे दुख सहनी पे की गल है चौधरी जी मैनू क्यों याद किया जी तेनू सिर्फ इसलिए बुलाया बुढ़िया कि जे तेरे बुढ़ापे ने धी काबू करने का जोर घटा दिता
फिर किसी को बहुत उधारियां लैके रखवाली करेगा। मैं समझा नहीं चौधरी, साडा पिंड शरीफा का इलाका दिता, इतने कभी कोई बगैरती का नाश नहीं नचया, पर तेरी धी ने अकबर के सामने बेहजाई दाल मार के इस पिंड के घर घर बदनामी की मिट्टी सुट दी है। इस तो पहला कि दूजे पिंड वाले सानू पछाने तो इनकार कर दें, असी तेरा ते तेरी धी का फाह वढ़ देंगे। तुम मेरा फाह वढ़ दो ते भावे मैनू साड़ के सुआह कर दो, पर इन्ना जरूर दस दो चौधरी जी कि तुम मेरी धी के इल्जाम पे लाते हो कि ये कोई सच्चाई की कनी नहीं आए। सच्ची गल मैं मुंह तो कर दी है, झूठ बोलन की मैं आदत नहीं। मैं अपनी अखा बानो तकबर इको पिंग चुलाए लेंदा वे। बानो ये बदनामी तो बचना चाहना तो फिर अपनी धी की बह मेरे हाथ फड़ा दे, जिथे मर्जी लगा। माफ करी चौधरी, मैं धी का प्यो हाँ, कोई दुकानदार नहीं, पर अज तेरी गल का पार वेखण लई मैं अपनी धी की अख में चक पा के गल जरूर करांगा। बानो की गल है नाना? सब तो पहला मैं इस सवाल का जवाब दे कि धी का मतलब की होंगे? खानदान की शराफत ते पिओ की गैरत नूं धी कहिंदे ने लाला। तो फिर बाले ने तेरे ते इल्जाम क्यों लाए ने? मैनू घर बुला के नोटा की जुत्ती क्यों मारी है? वेड़े विच खिलार के मैनू अकबर का मेला क्यों दिता है? तैनू इज्जत बेचने वाली धी क्यों आखिया है? जवाब दे बालो, बाला झूठ बोलता है या वाकई अकबर इस घर की इज्जत का डाकू है? जवाब दे बालो, बोलती क्यों नहीं? जो मनसुख पिओ ने अपनी मुजरिम धी को यह सवाल पूछ ही लिया तो फिर मैं भी इनकार करके तेरा मुकाम कटाना नहीं चाहती बाबला। मैं तेरी मुजरिम जे तू वाकई मुजरिम है तो फिर तेनू गोली मारन तो पहला मैं उस मां का मुंह जरूर रंगा करांगा जिन्हें अकबर जय पुत्र जन्म देने तो बाद इज्जत वाला सबक नहीं दिता। दानिए की गल है भरावा, भैन के घर आया सी ते मत्थे तो मुड़का ती पूंज लैना सी? ए मुड़का नहीं पैना, बदनसीबी दे अथरू ने जड़े एक पुत्र ने मेरी इज्जत मुल लैण लई मैनू नजराने च दिते। किदा पुत्र ते केड़ा पुत्र? पुत्र ते ऐसे कर दी उसे मां दा ऐदानी है जिन्हें अपनी औलाद नू सिर्फ शर्मो हया वाला दुध पियाया सी, पर पता नहीं अज उसे मां दा पुत्र मेरी पग दियां लीरां क्यों करना चाहता सी, मेरे गले विच सारी जहान दियां फिटकारां क्यों पाणियां चाहता सी। एदा मतलब है अकबर ने तैनू कोई दुख दिता भरावा? दुख ते इहो जिहा दिता जिदे बाद कोई जवान धी का प्यो जिंदा नहीं रह सकता। ते फिर तू अथरू पूंज लै भरावा, इसलिए कि अज मैं ममता सीने बाहर कढ़ के ते तेरी धी की मनो बन के अकबर नाल गल करां। मैनू तेरे कोलो यही उम्मीद सी भैणा, लै हुण मैं तैनू अपना मुनसिफ ते तेरे हाथ में अपनी धी की तकदीर दे चलिया वा, इंसाफ जो तेरी मर्जी आउंदी है कर। इस घर का पुत्र बनने तो पहला मैनू इस गल का जवाब दे, तेरिया नजर में प्यो का खून कि महंगा ते मां का दुध कि सस्ता? प्यो का खून ते मेरे सामा की जिंदगी है मां, ते मां का दुध मेरे लिए जन्नत की नहर है, पर तेनू यह जो सवाल करने की लोड़ पै रही है? ये इसलिए पूछे अज इस घर में एक जवान धी का प्यो रोंदा होया है जिदी पग नू तू कफन बना देता पे, जिदे वेड़े दी इस टिक ते उस पिंड दी औखतियां हुई उंगलियां दे निशान लगे हुए। मां अकबर पुत्र जवान हो जान ते बुढ़े मापे फखर नाल जवान हो जांदे ने, अज इस पिंड दी गैरत नाल खेड के तू अपनी मां दी कबर अपने हथी क्यों बढ़ा दी? जे मैं तेनू गोली मारा ते जालम अखवानी है, ते जे तेरी बेहयाई वेख के अखा मिसला ते खुद गर्स मां अखवानी है, मैनू केड़े बल दे पांबड़ इत सुट दिता ही अकबर? मैं मुजरिम भी आ तेरे अगे अखा भी नहीं चुक सकता, अज बंदूक फड़ते मेरे सीने च इन्नी को गोलियां बार कि मेरा लव पूरी धरती से खिलर के एक बहादुर मां का मकाम दसे। छेती फैसला कर मां, इंसाफ करने वाले ममता की अखना कभी नहीं वेखते। मेरे सोने पुत्रा ताबेदारी भी इस तरह करना है कि तेरे एक अथरू से सारा ही लहू बगान ते दिल करता है, पर भरा दिते ने भी इस तरह फरियाद की गल्ला भी सुन के कन्ना ते हाथ नहीं रख लिया जाता,
पर आज मैं हर तरीके नाल इस झगड़े नूं मुका ही देना। तू इन्हां पैरां ते खलो के ते मैनूं देख। मेरे वेड़े विच पैर रखन तो पहला मैनूं इन्ना जरूर दस दे पैणा कि तू मेरे घर अपने पुत्र की सिफारिश लैके आई है या मेरी धी की मां बन के मैनूं तसली दे। तेरी धी की मां बन के अकबर का गिरेबान फड़िया ते हुण इस घर विच इक पुत्र की मां बन के आई है। जिस तरह भी हुंदा ही मेरी चोली बानो भी खैर पा दे वीरा। इहदा मतलब है तू इह सवाल करके मैनूं इह दसना चाहनी है कि धीआं दे प्यो मजबूर हुंदे ने, उन्हां नूं बोलण दा कोई हक नहीं। बोलण दा हक भी है, तू हर सवाले नूं खैर भी नहीं पा सकते भरावा। पर अज मैनूं खाली हथ ना टोरी, मैं तेरी धी नूं अपनी इज्जत बना के अकबर दे गुनाह दा कफारा देना चाहनी हूं। जे मेरी धी दे मुकद्दरा च अकबर दा ही वर लिखिआ है ते फिर मैं इनकार किवें कर सकना। ते फिर तैनूं मेरे वालों मुबारक होवे भरावा, पहले सवाल ही मेरे मन की मुराद पूरी की। अल्लाह इस रहे तेरे मन की हर मुराद पूरी कर। कुछ सुनिया इश्का पीती है, लाले ने अकबर नाल तेरे ब्याह दी हाँ कर ली थी। बस अड़िए हूं मेरे सामने अकबर का नाम ना ले, नहीं तो मैं शर्म नाल पानी पानी हो जानी। ओए होए होए होए। सदके सदके में सदके सदके दिल भर सोने तो सदके, सदके में सदके सदके दिल भर सोने तो सदके। ओ मिल जाए जे मैनू ओद सीने लग जावन के, सदके में सदके सदके दिल भर सोने तो, दिल भर सोने तो सदके। जवाई लभन की गल हो नन्नी धीए तो मैं लाल टैन हाथ विच फड़ के काछूपुरे तो लग के यतीमखाने के चौक तक फिर सकना, पर जवाई कोई अमरूदा के पत्र नहीं जेड़े मैं हर चौक विच मिल जाए। हौसला करो हकीम साहब, रब साढ़े दोवें पैरों लिए कोई चंगे जे रिश्ते भेजेगा। रिश्ते ना भेजेगा तो मौत के फरिश्ते जरूर भेजेगा हकीम जी। और मैं खल कर देंगा, किसी वेले खल न हाथों छड़ भी दे आ करो, एवं गोडे से मार बैठोगे। अर्जे हकीम जी जे तुसी मैनू अपना हमदर्द समझ दे तो मैं भी कुछ बकवास करा। ठीक है बकवास कर। लो जी बकवास ये
कि इस नीली शाही के ड्रामले से रिश्ता नहीं जो मिल सकता तो जो हुक्म करो तो बीबी बसो लो कोई जवान जहा मुंडा विखा नहीं 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 बिल्कुल नहीं पहलो मैं अपनी वड्डी धी नन्नी का विआह करा तो फिर छोटी धी का विआह करा वैसे गल बनती भी इस तरह है पहले इस पेट्रोल पंप का विआह होना चाहिए मेरा मतलब है ता ही इस घर च तीन कु मरले थां वेली होएगी तो किसी होर की वारी आएगी तो जिनी देर ये इतने ने माशाला हाउस फुल और किसे टूरिंग टाकी दिया पुत्रा और तू इतने की प्यार दिया टिकटा पे ब्लैक करना मैं क्या हकीम साहब तुसी इनू अजे खरल नहीं किया गल सुन क्या संघाड़े वर्गा मूह तेरा आ तेरी बाजी सवेर से तेरी जान रोन डई क्यों और मैं इन्होंने कट्टी मारती है गुजर खान के किरले हकीम जी इस बकवासी दिन गलों च ना आना तुम वर्ग लाएगा जी तुम मैं अपना फरजंद बना लो मैं थोड़ी धी का रन मरीज बन के रहा यह बकवास करता जे बंटा हकीम साहब जे तुम अपनी धी मेरे नाल तोड़ दो तो मैं सारी हयाती बदीद बन के रहा यह बकवास करता मैं थोड़ी धी का मरीज बन के रहा मैं थोड़ी धी के हाथ च बौकर बन के रहा भावें हूंजा ही फिर जाए तो मैं थोड़ी धी के पैरों कट्टा बन के रहा भावें साफ कर दे भावें चुके सिर च पा लवे मैं थोड़ी धी का सक्का भरा बन के रहा तू ही बन जाओ तेरा भनवैया वो तेरा भी चा ला देंगा मर जाए तू तो फ्री फंड च मेरा साला बन गए दसो कितों आई है धीए कोकला छपा के खेड के अब्बा मेरी सहेली बानो की मंगनी मासी दानी के पुत्र अकबर नाल हो गई है मैं उन्होंने मुबारक मार देंगी अच्छा अच्छा ये बड़ी खुशी की गल है बसो राणी समझ लो मर गई थोड़ी नानी जाके बैठो हूं मकान नहीं पुत्र गल सुन के ना बाला हो जाएगा पानी पानी ओए बानो ते अकबर की मंगनी का दस के तू मैं कमरा ही तोड़ता जीरू होर मैं तुम नान के तोड़ दिया चौड़ी जी बकवास बंद करो साडा प्यार खतरे च पिया है तेन माहौल की पई हुई होर मैं चौड़ा की पै जाए चौड़ जी मैं इंज लगता जिम्मे सारी जिंदगी विह नहीं करना तो सानू पला जब हाथ ना रख देना पर अकबर मेरा सुनी बच चुका लो माउटी ते पंगी दी तो फिट करा ली मैं कह चाहो जी सारी जिंदगी अपनी मर्जी की थी ऐसी ते मेरी मर्जी कर लो पाउको की पाउना लो चिचड़ियां दा बस्तो बंद कर दे मैं पाउकन लगा जे मैं कह तुसी ऐतकी बॉर्डर ते खुद ना जाओ वो ताडा यार है ना वो की ना जी ओदा अपना चागा 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 ओदी मदद यानी कि हेल्प ले लो बिल्कुल ठीक है और जिंदगी च पहली बारी चंगी गल कीती हुई जीरिया चागा उंज भी अजकल चरिया होके आने वाला है मैनू पता है और रहा आते सीधा मेरे को आएगा और मैं मुश्किल कर देगा तेन को कम है तो खुले दिल आखने कम तो जिंदगी ना भी महंगा है पुत्रा बाहर जाते ही इस धरती को मेरी धी से ओरी मां का पता जरूर करी मैं भी कि बदनसीब हाँ धी के होने के बावजूद मैनू बबल कह वाला ही कोई नहीं तू भी तो रहा हो कि बहार आना लै तू आएगा ना चाचा दोवे प्यो पुत्र रल के हूं लभ लाने और तेरी गल दिल लगी है पुत्रा लै फिर चाचा मेरा पता याद रखी शाहपुर पहुंच के किसी को भी पूछ लेंगे ना कि चागे जड़ का डेरा कितने तेन पंज मिनट अगले उसे पहुंचा देंगे चंगा चाचा मैं उन्हें इजाजत दे रब रख मेरी मन शिकार टूर चल आज अनवर ने नहीं आना बैठ नहीं बड़ी ना चूंगी उंज कहो मैं प्यार करता देख के सर के सुआ हो जाने नी ओ देख आ गए तेरा पड़वैया ते हूं इतना खिस्क नाली गल कर हाय नी होवे तेन इश्क दा हैगा किड्डी मतलबी है साडे कोलों तां गन्ना ही चंगा इनू किड़े ध्यान लैके बैठी ते फिर इत्थे कलम कले बैठे की करा ओ मेरा नाम लंदी रिया कर और की करना है आहो ते कर जाके ना कोले जुतियां खाया कर ए जी कह देना ओ प्यार दी अखा दी जुतियां जाया नहीं जांदियां साबरा सो खून वधा दियां ने वधांदियां होणगियां पर मैनू की मेरे ते नसीबां च टूटी कण इसलिए ते मेरा जी चाहवे कि तैनू खिलौना बना के ते चांदी दा पानी चढ़ा के ते हमेशा लई अपने दिल दे कमरे च सजा रखा और की झूठ बेशक मेरे दिल को पूछ ले हाय मैं मर गई तेरा चोर दिल की पिया कहंदा है की पिया कहंदा है मुंडिया सोने रंगिया हाथ लाया मेरी नाली तोले हाथ
मैनू वेख के कमण क्यों लग पई है और मैं कोई जिन पूछते नहीं जिन पूछते नहीं पर उन मैंने बखेरा जरूर लगना है तेरा सिया पैना का राह रखना मैं नहीं पता समझता है और लगती तो तू भी मैं इस पिंड की शेरनी है और लोग मैंने भी शेरे बबर चागा कहते हैं तेरा खोते बंदे पुंज खा जाता जे मज तेरे गिटे कोटे पन के तेन उतो बाहर ना कटिया तो मैं चंगी मां का पुत्र आखी तू बिलकुल ठीक आखिया साबरा इंज लगता कोई आदि मुजरम है कि गया भी साडे पिंड वाले तेन हलाल ना करा दे तंदूर ले तू हुण फिकर ना करी हां मैं तैनूं सारे चक्कर समझा देंगा पर मैनूं यह दस बसो राणी कित्थे डूंगे छप्पड़ कोल बह के तैनूं उड़ीकदी होणी है डूंगे छप्पड़ कोल आहो क्यों डड्डू दी नसल चों खैर मैं उहनूं मिल लांगा रगड़ बनक्षा से अभी चलने सलाम है वालेकुम सलाम और सबके जावा साडा जिगर चग आया भाई मैं भी सोचता था पिया कि अज कां साडे कन्ने पड़दे क्यों व्यवहार है मैं कहने जी कां ते लाउड स्पीकर लेके आया सी ओ बकवास ना कर जा जाके लस्सी पानी दा बंदोबस्त कर अच्छा मैं तेरे गां नू आर्डर देवा मैं तेरे नाल नाराजा यार पालिया ओ एडी जेल कटी है तू पुल भुलेके सानू मिलन भी नहीं आया भाई तेरी नाराजगी सच्ची है चाग गया उंज भी किसी ने दुनिया के कमां कारा च खुब के यारा नजरां तोले करना ही पैंदा पर असा तो तैनू दिलों लली ना किया जेल च एक बुजुर्ग ने अपना प्यू बनाया सी हर वेले उन्हूं तेरिया गल्लां सुनाई दिया सन जिंदगी रही तो एक दिन असीं भी तेरे उस कैदी प्यो नूं तेरिया गल्लां जरूर सुनावांगे
पर हाल की घड़ी साढ़े गुरु एक वगार ला दे पाइया और खुल के गल कर बालिया चागा तो यार अपनी शाह रखता लोग भी बगा सकता है। और तो फिर गौर नाल गल सुन, इस पिंड दे एक मुटियार तेरे यार दे लू लू च वस गई, ओनू हर कीमत है मेरिया बाहों चाहिए। और बाहों की तू आखे ते तीलियां दी डब्बी च पा के तेरे खीरे च पा दईए। लै भी बालिया तू सानू अपने मशूक का अज रात नू घर विखा दे ते आप जाके शाहपुर साडे डेरे ते साडा इंतजार कर, असीं तेरे मशूक दे पर कट के तेरे कोल लै आवांगे। ठीक है जे गल हो गई तो फिर मैं उस वड्डे सूरमे दीआं मुछकां कस देवां। और कस के मारना सी अनवर, और यह बेरैरता का गाटा भी ला दी तो रब की सौ थोड़ा है। तो तेरा की ख्याल है मेरे को कसर छड़ी होनी, मैं भी उस बगैर तू मारन की पूरी रीझ लाई है। सच में तेने गल कर लिया है ना, अज रात मैं शाहपुर रहा, मेरी उत्थे पानी की वारी। किसी बगैरत न दुश्मनी पा के रात दूजे पिंड रहना कोई अकलमंदी नहीं अनवर। ओ बेशरम फिर किधरे राती दूजा वार करन ना आ जाए। मां जी जेडे बगैरत होंगे ने ना बुजदिल होंगे ने, नाले तेरे जी मां नूं सानूं इहो जिहा सबक नहीं देना चाहिए जी जन्म देने तो बाद हयात खैरत का दुद्ध पिया दिए। लवी अनवर जे दुश्मन ना जामना सामना हो जाए ना छेती नाल मैंने इतलाह कर देनी, मैं अज रात ही खूह ते ही। तू फिक्र ना कर, आ अल्लाह तुहाडा दोवां दा निगहबान होवे। चाका चौधरी ऐयो समझार तो कर। दुपट्टा शहजादे दे मूंह विच कोई यारा जे हुण इत्थे तिकर पहुंच गया ते फिर उस मजलूम नूं बचाण लई उस तक नहीं पहुंच। तो शरादन लेके चल, मैंने बगैरता ना लिपड़ लवा। मैं तेरे बगैर ते प्लीज खून दे चिट्टे अपनी बांह दी पाक चादर ते कभी नहीं पहन।
रहन देंगा। अरे जे मेरे अगे तेरी मां की चादर है तो फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि मैनू मारन तो पहले तेरू अपनी मां के चिट्टे चाटे के नाल लगी चादर चार नहीं करना पवेगा। मार है गोली, तेरे जे पुत्र मां की इज्जत नू गोली मार नहीं आने ने। गोली ना मैं पुत्र एक बेखैरा तेनू मारे ने, जे मां की चादर लीरा लीरा करनी पैंदी आ ते देख ना करी। की करा मां, दुश्मन मेरी जन्नत के परछावे थले खलो गया है। मैं इस बेगैरत नु मारन लई अपनी मां की इज्जत नु गोली नहीं मार सकता। मैनू तेरे इस लहू दी सौं है मां, जे मेरे पूरे खानदान का कातल भी इस चादर के पिछे आ खलोंदा तो मैं उन्हें भी माफ कर देना सी। जा खुश नसीबा, मेरी मां की इस चादर ने तेरी जिंदगी की हिफाजत की आ, मैं ये सदके तेरी जान बख्शी करना। और जे फिर कभी यह बेगैरती की हमला कर देंगा। तहू एडा फिक्र करने की लड़ है बाला चौधरी जी, जागे बगैर खूनी चित्रे रस्ते में कोई भी माइडा ला नहीं डक सकता। तुम मशहूक आने तो पहला यह बोतल अंदर सुटन वाली गल करो। की गल लिखा गया, सवा नेरे वाला सूरज बन के गया है तो डूंगी छां बन के वापस आ गए। की दसा यार बालिया, शर्म नाल सिर इना को नीवा हो गया, दिल करता कि अपना गाटा आपे ला लूंगा। इंज लगता जिम्मे पिंड वाले ने तेरी राह की कंध बन के तेरिया सोचों तोड़ नहीं चढ़न दिता। बिल्कुल ठीक आखी बालिया, तेन सामने रख के उन्हें यो सोचा जे भेद पिंड वाले सामने खुल गया तो तू अपनी जूझ जाके किधरे बदनाम ना हो जाए। और तू ठीक सोचा, हूं दिते घर नाल मैं आप निकलांगा, मैं वेखांगा वो बानू का विह अकबर नाल किवें करता है। और मैं मुश्किल कर तेरे को सुना करा दिते। रात वाले जख्मां दा की हाल है तेरा? मेरे जख्मां दा मरम ते तेरे कोल पैना, रात वाली गल ने ते मेरा लक तोड़ दिता है। हुण जिद्दी छेती होवे अपनी अमानत मेरे करन लाया। मजबूरी तेरी भी चिट्टे दिन वांगू है भरावा, पर पुत्र नाल सलाह कीते बगैर फैसला तेनू मैं भी नहीं दे सकती। फैसला तू मेरी मौत दा भी सलामे मां ते मैं हंस के कबूल कर लांगा, पर व्याह दे मामले मेरी इन्नी हाई जरूर है कि अनवर ते मैं इकट्ठे सिरे बनी। वे मैं ते आप भी यही चाहनी हाँ, पर एडी छेती में ओदा रिश्ता कित्थों लभा? मां रिश्ते वाला घर मैं दस दिना, गल तू आपे करांगी। लै भैन दानिए, गल ते इत्थे मुक गई है के। लै फिर भरावा तू बेफिक्र होके जा, मैं अकबर नू लै के ते परसों ही अनवर दी गल भी मुकावां, ते फिर अल्लाह ने चाहिया ते तेनू ही व्याह दा दिन देवां। दादा खुदा हाफिज। लम्मा मैं जरा खूते हुआ मां। तू इतने की भी करिए बानू, ये रात वांगू मेरे हाथों किसी ने मरवान दी सलाह? वे जब मेरे तो चिड़ के किसी ने मारेगा तो मेरे सिर पे सहन नहीं करेगा, ये तो तेरी अपनी इज्जत का सवाल है। तू एडी छेती मेरी इज्जत की बन गई? सारा नाली गल की तू, ऐ जाके अपनी मां को पूछ जिन्हें चोली चुप के मेरे प्यू को मेरा रिश्ता मंगया, जो हाँ ना करता तो मेरी तेरे ना रिश्ता करने की कोई सलाह नहीं। जे तेरी इस मर्जी दे वेले सिर पता लग जाता तो रब दे सामने अपनी मां नू तेरे प्यू नाल कभी रिश्ते की गल ना करूं देना। ले ऐ रिश्ता तो हुण भी टूट सकता है। ठीक है, जे तेरा प्यार एडी नफरत च बदल गया बानो ते फिर तेरी यह मुराद भी अज ही पूरी हो जाएगी। चलो दिला, इधरों तो जवाबा मिल गया, कोई होर ही सज्जन लब। वे फिर साड़न वाली गल की थी, फिर साड़न वाली गल की थी। उसे टूर पे मोड़ के मुखड़ा, उसे टूर पे मोड़ के मुखड़ा, कुछ साढ़े ते की थी हाय हाय। फिर साड़न वाली गल की थी, फिर साड़न वाली गल की थी।
बानू जिथे तेरे जिया शहद वाला मुरब्बा मिलता होवे हकीम कोल्डे शाह कोल जाण दी की लोड़। शुक्र है मालका, अज ते ओ बगला हकीम नहीं घर नहीं है ना ही ओदी धी नन्नी नन्नी किसे तंदूर दी फुफी दफा अज ते बसो नाल इश्क करन दा मजा ही आ जाएगा। मेरी इतर दिए शीशिए नेड़े हो के मैनू इश्क दा तूंबा ला वे मेरे अखां दी अश्रुमिया बेड़ा कर कोले दी कान वे मेथों दूर हो के ना ब्याह कर मेरे दिल दे मेहरमा जे तू चाहे ना ते मैं तेरे तो कुर्बान हो सकनी हां। किड्डा शौक है तैनू कुर्बान होण दा, फिकर ना कर मेरे छोटे भरा दा हकीका आ रहा मैं तेनू छुरी फेर लांगा। मैं क्या जे तू मेरे नाल सच्चा प्यार करनी है ते मैनू ये दस के वो बसो किधर गई है जेड़ी तेरे ते मेरे इश्क तो सड़दी है। जे ये गल है ना ते वो बोधी नू नाल लैके ना किसी अंब दे बूटे थले इश्क दे गीत गाउंदी होवेगी। क्यों वो बिजू बावरे दी पोतरी है, पोतरी ते दुआ के किसे रास्तारी दिए मेरी एक कलगी वाली कुकड़ी है। पर ते मैं वादा कर कि मैं छड़ के किसी होर मर्द नाल नहीं नाच जाएंगी। मैं सुने तेरी दौड़ बड़ी तेज। ये तो ठीक है पर मैं तेरे नाल वादा करनी मेरे निबलिया जे मैं किसी नाल नसा तो मैनू इस मिट्टी के कीड़े खान। वो कीड़े मामे लगते ने, मैं इंशाला आप खुद तेन करेले च भुन के खावांगा। बल्ले होए आदम खोरा ऐसे बह के गल कर रहा है क्या चुकंदर दिए उलाटे तू भैन नू की दौरे पा रहे शुरू कर दिता यो भाई फेरू दे खोते और तेन शर्म नहीं आती पलवैया के गल कर दे। खबरदार लैलपुर दे बताऊं हिलिया ते मैं तेरा चूकला भन दे नहीं। और बह जा पंबे चुगिया दे रेठे मैं कुठाली च पा के ना ते पी सुटूंगा। तुसी क्यों लड़न दए हो वे मेरे आशको। ओए चुप कर सिपिए, चुप कर बांदरा। ओए जर जम ते जमीन ही झगड़े कराउंदे ने, हट जा विचों तू। ओए क्यों शकरगढ़ दे लूंबड़े मुंह बंद करो साईवाल दे हिजड़े।
Thank you.
ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਏ ਸੱਜਣਾ ਹਾਏ ਸੱਜਣਾ ਅ ਸੱਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਤਰੋਂ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਚੰਗਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਹ तू तो आप मिश्री की डली तेन खंड खाने की की लोड़ पई है तेल पा दिए लाश तो लंग के तेरे तो बच्चे तक पहुंचा लै चाचा बड़े वेले सिर आया साढ़े को रोटी पानी भी खा तो सारू पीती उस तो बाद जवान खून का मजा भी लै खाली तू अपने पैर इत दफले चा गया मैं उन्होंने अपनी धी आखते पी पंजाब के प्यू अपने तिया गाटे लवा देने पर उन्होंने सिर नंगे नहीं होते ये जेल साड़ा प्यो बन के मिले थे चाचा इतने सारा दुश्मन बन इधर ए नवे के कुड़ी से कपड़ों तो पहले तेरी कबर करनी पै जाए और तेन से कबर कड़न का अज पता लगे ते मेरे हाथों तेरे जे बेगैर तेन कतल करन की पुरानी आदत है लै हूं तू बेहया बन के आगा मत ते मैं इस सर्दी का गैर थोड़ा प्यो बन के तेरी राह डकना वा और खून कि टिक दे और तकदीर दसे मैं पूरे जने पढ़ के खा देना सदके जावा चाचा तेरे बुढ़ापा आवे तो तेरे जो बब्बर शेर से मैं क्या इतने पंजाब के पानी का हक अदा कर देता ही चाचा तेरे तू चुपचाप के बाद चला जा ठीक है चाचा मैं चला जाना पर मैंने इस गलती की माफी जरूर दे दी कौन है तेरा नाम की एक गरीब दीदी ते बदनसीबी मेरा नाम है ए, पर तू रहने कितने में अपने बाबल तो बड़ी ही दूर ते रुसे हुए रब दूरली मेरा घर है तेरा बाबल तेरे को दूर क्यों टुर गया ओनू खबरे तेरे ना को नफरत सी फिर तेरा बाबल चंगा बंदा ते ना होया जेड़ा तेरे जी ती को नफरत करता सी एक प्यो ती दी गले तेन मेरे सामने मेरे बाबल नु पैड़ा आखन का कोई हक नहीं ऐदा मतलब है तू अपने बाबल नु बड़े प्यार करनी है ऐंदा कि जे मैनु ओदे कदमां दे निशान लग पैन ते मैं उन्हां नु चुमदी हुई आज तक भी पहुंच सकनी हूं ऐ ते ठीक है जे मैं अपना दिल पहचान ले तेनू ती आखिया करा ते फिर फिर मैं रोंदी हुई तेरे सिने नाल लगूं ओए तू किड्डी चंगी सी है सीने नाल लगी है ते आऊं लगा जीवन
जीवे मैं इस धरती से बड़े खुश नसीब बंदा हूं। और मैं जानती माँ देखती होगी। मैं तेन आप घर छड़ के आवागा। आ तू मेरे नाल आ मेरी सी। बस बाबा मेरा घर आ गया। चंगा नहीं लगता। मैं फिर आवांगा तेरी मां नाल मिलांगा। जा रब लगा जा। फरिश्ता बना के भेज दिता ते रब दी सौ उन्हें तेरी ती लई अपना खून वगाण तो भी दरेग नहीं किया। अल्लाह उस बुजुर्ग नूं इहदी जजा देवे जिन्हों तेरे खून अपनी ती दा रंग नजर आया। जे वो बुजुर्ग मैनूं मिल जांदा ते मैं हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा कर दी। पर हाली वो बाबा बाहर होना है। मां तू मेरे नाल आ। ऐसा लगता है जिन्हें बाबा टूट गए। कोई गल नहीं जिंदगी रवे मुलाकातें तो हो ही जाती हैं। अल्लाह के बाल बच्चे को जिंदगी देवे। हौली हौली मेरे पिछे लगी आतिशबाजी। अज जीरू दे प्यार विच ला दी उल्ट बाजी पावे तेरा लक टूट जाए। पर अंदर जाके करांगी की? तू अंदर जाके कुरेशिया करना। मेरी गल तो पूरी सुन। तू पहला अंदर जाके की करना? काम ने कौशल बनना है ते उस जामपुर दे दिलीप कुमार उर्फ जीरू नूं मुहब्बत दी मार देनी है। जे तेरिया मस्त निगाहां उर्फ कालियां कटावां कोई काम ना विखा सकन तो फिर तू पूरन भगत की रानी लूना बन के मकारी विखा के कपड़े पाल के रौला पा देने। लोग मेरी इज्जत लुटन लगा सी जिन्हें पतंग लुटी दी है तो मैं उतो हकीम और लिया के छाप करवा देना। बिल्कुल ठीक है। लै हूं मैं जावा। छेती जा और मैं तेन टांगा करा के देना। चल शाबश छेती जा तो जाके कंधा टा। बुझा तेरा एडा रंग अखा खोल वे शीरी दिया फरियादा। तेरा की है इरादा? तू किनिया गुगरियां नूं खादा? वे पिछे मुंह तेरा अखा खोल के वेख मैं तेरी महबूबा नन्नी आ। नन्नी किसे मगर मच दी गन्नी तू इथे अद्धी रात ले की लैन आई? वे मैं तेरे इश्क च मरन आई आ। तू मेरे नाल अखा नहीं लड़ा सकदा। अखा मैं तेन सप लड़ा सकना। छेती दस में तू मेरे नाल ब्याह नहीं कर सकता? ब्याह मैं तेन कली कर सकना कंघी कर सकना कुटकताड़ियां कर सकना ब्याह नहीं कर सकना। बेड़ा घर को भी चुप कर जा। चलाक लूंबड़ी है की चक्कर चला पाई? प्रेम जी अपनी ऐनक दे शीशे साफ करके ते गौर नाल वेखो। तुहाडी दुशीदा अलण मुटियार ते साडी नाजुक भैण दी इज्जत नूं हाथ पाण लगा सी। हकीम जी गां वधो ते निकटाण ते लाओ। ओए तुसी सारे अपने अपने घरां नूं जाओ। ते हकीम जी इस वेल मच्छी नूं पटा पाओ। भौंकना बंद कर। साडी कछू कुमे वर्गी भैन मछली बनाते ही बगैर पा। ओए पता नहीं पुत्रा मैं तेरे पैरों में हथ कड़िया पवा देंगा नहीं तो तेन मेरी नन्नी धी नाल ब्याह कराना पड़ेगा। ओ खुदा दा खौफ करो बेड़ा गर्क। ओ हकीम जी को अगल नूं हथ मारो। ओए ते चंगा है ओ मेरा किसी बिजली घर ना नकाह पड़ा दो। बकवास बंद करो किसी मीटर दिया पुत्रा क्यों करंट खा के मरना ही? तेनू साडी नन्नी पैर नाल ब्याह करना ही पड़ेगा। खाना खराबा तू तेनू कम दुख दे के ते कपड़े छोटे कर दिते ने। अब्बा जी बोधी ठीक कहंदा है। जीरू भाईजन नू वड्डी बाजी नाल इहो जी गल करदे शर्म नहीं आई? भाईजन
जा तेरा बेड़ा गर्क, तू ही मैनू भाईजन कहन लग पई है। अच्छा हुण ते मैनू ये पंज मन दी नन्नी कबूल करनी पैगी, जांदे चोर दी लंगोटी सही। हुण गल कीती मेरे साले, दिल दे चंगे ते मुंह दे काले, चरम सबर शुक्र कर। यार इन व्याह के लै जाएगा ते घर भी भरिया भरिया लगेगा। बकवास ना कर, मैं बुढ़ी व्याह के लिए चलिया, कोई घर तूड़ी की गड नहीं ले चलिया। इस नाल व्याह जाएगा ते गड भी ले जानी पैगी। हकीम जी तुसी छेती नाल निकाह शुरू करो। ते मैं क्या, मैनू भी अपनी गुलामी च लैके ते अपनी अखा छुपा लो। ईमान ना हर साल मोतिया बन के तुहाडियां अखा च उतरा करांगा। ओए किसे बगीची दिया पुत्रा, ओए चाचे दियां अखां च उतरन लई पौड़ी कित्थों ले आएगा। ओए कुछ भी होवे, मैं अज तुहाडे दोहां दा निकाह पढ़ा के ते आप फौत हो जाऊंगा। बकवास बंद कर ओए, आप मैं फकीर हो जाऊंगा। ओए मैं तैनू खल कर देंगा, आप मैं हज ते चला जावांगा। वाह वाह माशाल्लाह चंगी गल है। चाचा जी हकीम जी ए जरा किराया है वह कबर जी थोड़ा प्यो घलेगा। बड़ी मुबारक गल है चाचा जी। मैं तो यह कहना वा कि हूँ तुम छेती दूंगा ना निकाह पढ़ा ही दो, अजे तो मैं जाके बाले पसूड़ियां पाया ने। बाला सिकंदर आला तो आप बड़ी वीडी पसूड़ी है, सौ रब की जे तब्दील मेरे दंदा थले आ जाए मैं उन्होंने चटके रख दी। वह हाली त्यार कड़ी सानू मूँह की खाने पै रही है बालिया। और यार मैं तो इस तरह लगता है जिन्हें मारा खा खा के असि पानी पानी हो जाना। ओए मैं उस प्यो का पुत्र हाँ जिन्हों वेख के रब ने मौत बनाई थी। मैं अज तेन कहो जहा चक्कर दसागा जिदा पहले वल अनवर तकबर निचोड़ के रख देगा। कौन इधर करे ना खैर हो बालिया, सौ करोंडिया एक मन ठूहे लाइए ना एक बाला बनता है। लै भी बालिया तेरे इस चक्कर ने अकबर की बाह भी बढ़ देनी है ते अनवर वाला घुट भी फरिया जाना है। कल का सूरज अनवर ते अकबर की मौत बन के आएगा। नवे कपड़े पा के किते चले हैं पेंडुआ, किधर मेले जलेब खान ते नहीं चलिया? मेले च नोटा वाले जांदे हुंदे ने बानो। ए वे साडे खिस्से च रेवड़ियां ते तिल भी नहीं हैगे। वे नोट तेरे नालों चंगे ने, जे कवे ना ते जिन्ने तेरे सिर दे वाल ने ना ओने नोट गिन के तेरे पैरां च लिया सुटा। आहा सदके जावां मलंगी वांगू बड़ी जिदारी दी गल कीती आ। ओए बानो तेरे नोट तानू पहुंच गए ते मैनू हुण जानदे हैं। मैं अपनी मां नूं लैके शाहपुर जाना है ओए अपने प्राणवर दा रिश्ता वेखण वास्ते। Thank you.
तू भावे हाथ जोड़ तो भावे मेरे पैरी पावे तेरे नाल नहीं उड़ जा सकता। नाराज होने की कि गल बड़ी फीर फाली गल आराम सुन लिया तेन जो क्या कि तेनू नाल ले जाने का बंदोबस्त हो गया। आहो तेन ते मैनू सुहाग की डोरी च बन्न लई मेरी मासी ते अकबर बस तेरे घर अपन वाले ने। सिर्फ जान दे नहीं पुत्रा, बेचारी ते साडे दुख दर्द दी साथी भी। अज तो 16 वरे पहला जदों तेरे मामे नू इस बेचारी दी ननान नाल ब्याह ले गई सा ते उदों उसे बाले दे प्यो सिकंदरे जगीरदार ने जंज नू लुट दिया होया तेरे मामे ते मासी नू मार दिता सी ते शरीफा नू डोली विचों कढ के ते अपनी हवेली च लै गया सी। फिर की होया मां? ओह कुछ होया जो अल तक गरीबां ते गैरतां वालियां दे हत्थों हुंदा है। साबरां दे प्यो करीमे ने बाले दे प्यो नू जानू मार दिता। इहदा मतलब ए वे साबरा बाले दे प्यो दे कातल दी धी ने। मैनू तेरे चिट्टे वालां दी सोए मां, जे तू उस जालिम दे कतल होण वाली गल ना दसदी ते मैं हुणे ही उहदा गाटा ला के उहदे कोलों इस जुर्म दा इंतकाम लैणा सी। फिर उहनां नू सजा रब आप दिंदा पुत्रा, गरीबां नू तंग करन वाले कदी खुश नहीं रह सकते। सारियां गल्लां छड्ड के मैनू तीजा फैसला सुना दे पहला। मैं तेरे बूहे ते उस मरम वाली भैन दे पुत्र अनवर दा सवाल लैके आई, जेड़ा तेरा जवाब सुन ले मैनू इस पिंड दे खूह ते उड़ीकदा होवेगा। मेरे वल्लों तू हाँ ही समझ पैना, शरीफा तैनू दित्ती सी ते उदों भी कुछ नहीं सी सोचिया ते अज धी दिन लगिया मैनू भला सोचण दी की लोड़ है। पर इन्नी गल जरूर याद रखी कि साबरा इस गरीब घर की कली धी है जिन्हों डोली पाने वाला भी मेरे सिवा होर कोई नहीं। एक गल ना कहो मासी, जे अनवर मैनू सगे भरावान नालों भी प्यारा है उहदी इज्जत मेरी जिंदगी नालों भी महंगी है, मैं साबरा का भरा बन के उन्हों डोली च पावांगा। ते फिर हुण मैनू फिक्र करन दी की लोड़ पुत्तर, तू जान ते तेरी भैन जाने ते फिर तैनू मेरे वालों लख लख मुबारक होगी भैणा। कित्थे हुण मेरी धी साबरा, मैं तो उन्हें हमें शगन पा के जावांगी। सलाम कर दिए, ए तेरी मासी भी ते हो थोड़े दिनों तक इन्हें तेरी मां भी बन जाने। जिंदी रहो धीए, जरा हाथ इधर कर, मैं तेनू अपनी पक्की धी बना दी मोड़ ते ला दिया। शगन पाने तो पहला हमें ही सोचनी पैना कि यह कातिल की धी है, तो यह तेरी घर की बदनामी तो तबाही भी बन सकती है। उच्ची तो हस्ते घर दिया धियां तो हर कोई ब्याह आ जाता पैना, पर किसी मजलूम की धी नू ब्याहना सब तो वड्डी इंसानियत है। तू मैनू शगन ते पाण दे। जी यह गल है तो मैं भी अपने पुत्र अनवर नू हुणे ही शगन पा के इत्थों टोरांगी, भावे सानू खूह ते जाना पवे। मासी नेकां में देर नहीं करनी चाहिए। चल पुत्र, डंगर के मालिक नू लभ के पुछाण वाली गल करो, नहीं तो कोई आफत आने वाली। जे आफत तो फिर आ गई हो जवाना, भावे सत समुद्रों पार इन्हें डंगर पहुंचा के वेख लै। दसो बुढ़िया, फिर सानू चोरी की इतलाह देने वाले ने बिल्कुल ठीक दसिया। दसो चोरा एडा सफेद पोश होके इस लीला वाला काम की? मेरी थानेदार जी, मैं चोरी नहीं की थी। मेरे किसी दुश्मन ने मैनू फड़ाने लिए तीर छड़िया। और जेड़ा भी चोर फड़िया जाता अपने आप में बेकसूर दसद, ऐसे हूं तेन थाने ही दसेगा पुत्रा कि तू आधी मुजरम है या बेकसूर है। और इस चोर नु कड़ी ला लो, तेना डंगर भी ले चलो। पुत्र
कोई छोरा ये एडी शर्म वाला दे डंगर क्यों चुराए सन दे अनवर मैंने अखा उछलियां करके जवाब दही जे तू वाकई ये डंगर चुराए ने तो फिर जेलों बाहर आंदे मैं तेनू बंदूक दी गोली नाल मिलांगी ते जे तू बेकसूर है ते फिर तेरे गुनाह माफ करान ले उस दो जहान दे जज जाके तेरी वकालत करांगे जे साडे बुजुर्गों विचों कोई चोर सी ना ते फिर मैं उन्हां दी लड़ी चोके चोरी जरूर की थी जे तेरे बुजुर्ग ते एडी इज्जत ते गैरत वाले सन ते पूरी धरती उन्हां ते फखर कर सकदी पुत्रा मैनू पता लग गया तू चोर ने ते हुण तू बेशक छाती चौड़ी करके जा ताकि लोगों को पता लग सके कि बेकसूरों हाथ कड़ी लगे तो बंदा कहो जहा लगता जान तो पहला मैं उस दुश्मन की सूह जरूर दे दे जिन्हें साढ़े मत्ते से चोर वाली कालत लाने की कोशिश की है तो फिर मैं उन्हें चोर साबित करने लिए अदालत के कटहरे चे बुजुर्गों की हड्डियां भी लाके रख दिया दुश्मन का पता हों तो वार अपने से चलन क्यों देता ही एक तीर विमान अपनी जान गंभीर रूप से सगन पा लेंगे सगन पान तो पहले यह गल हूं ही सोच ली पैना कि तेरे सामने एक चोर खलोता हुआ जरा तेरे घर का जुआई बन के बदनामी से तबाह ही लिया सकता दौलत आले के हस्ते पुत्रा तो तीर हर कोई दे देंगे पहला मजलूम तो मजबूर पुत्र ने जुआई बनाना ही असल इंसानियत है जा पुत्रा कानून ने तेन लोहे की अटकड़ी लाई है ते एक मां ने तेन सोने की कड़ी नाल कैद कर दिता है कानून ते मां च इना ही फर्क हुंदा है ले जाओ थानेदार जी गल हूं फिर मैं अपने प्यो के कातल को हो जा बदला लवाना मैं अपने प्यो का बदला करीम की धी को लवाना मां मैं ओदी जवानी नूं इहो जी बच लांगा जो सारे आजादी फकीर वांगू दर दर ते मंगदी फिरेगी तू पहला कि तू मेरे दुपट्टे वाला हाथ बता मैं सर्दी में गैर बन के तेरी नस नस चीर दूंगी मेरे दिल ना दिल मिला के मैं ठंड बाद मुठारे भावे मैंने जान मार दी मैं उठ नहीं करा चीख मारियो तो रब की सहू मैं दसा बोतल नशा हो गया दादा तेरी धरती उत्ते जुल्म रियासी हो लुट ली एक जालिम ने दिया दुखियां दिलो रास्ता कोई नजर ना आवे थे देखावे दिया नसीर ते मां दा साया केड़े पासे जावे चोर लेंदी तोरा ना फण ले दुखिया दी दीवा दाता दाता तेरे तेज जुल्म किने कीता है छेती दस मैं तेन कुछ नहीं दस सकती वीरा उस जालम ने मेरी मां नु कतल करके मैनु अन्या कर दिता जिस तरह मैं तेरी आवाज पहचान ली
मैंने उसकी आवाज ही पहचान है। जे वो मेरे सामने बोले तो मैं तेन पहचान करा सकती हूँ। मैं तो अगे ही उस रात का मंजी तेने सुता पैना जिस रात किसी डाक्टर ने एक तीर की इज्जत तो हथ पाया से। अज किसी ने तेरी अखा कर लिए ने और मैं इस धरती के घर घर जाके उस जालिम आवाज की पहचान करावगा। मेरी भैन की अखा खोन वाला इस धरती से जिंदा नहीं रह सकता। चल मेरे डर और ते बोल के अपनी आवाज की पहचान करा नहीं तो सीना बिन के रख देंगा। पर मेरा की कसूर है अकबर? नहीं बिना ये उस जालिम की आवाज नहीं उस आवाज इतने मेरी माँ दे बहन सुनाई देंगी। तो फिर दूजी था चल बैठा ये अज जो जालिम मिल गया ये पूरे खानदान दिया मामा सदियां तगन्ने बाल चमदिया रहन गया। चल बैठा बोल ओए मेरी भैन के कन्ना नु उस बेगैरत की आवाज पहचानने की तकलीफ ना हो। मैं की जुर्म किया है चलाना। साबरा इस घर का मालिक ते अल्लाह नूं याद पिया करता है। ऐ जे बंदे बग्याड़ा ले जुल्म नहीं कर सकते। कोई गल नहीं दीरा ओ जालिम साढ़े कोलों ते मुंह मोड़ सकता है पर मौत एक दिन ओदे सामने जरूर आ खड़ोगी। मौत तो पहला मैं आप पहुंच के ओदियां खच टोए पा देंगा। चल साबरा भी तेरी मौत बन सकती है। मेरा ख्याल ये कोटी बात है करते मेरी धी ने यही दसिया सी पर हर कि बुलाव अज मरने बाबल के हथ मिठाई लैके तो बड़ी खुश होगी। फरियाद बन के न खलोती होंगी मां पंजाब के भरा के पैरों ने गाटे लवा लेंगे ने पर मैं कहो जहा भरा वहां जरा भैन से दुख नहीं बढ़ा सकता। तेरिया गलों तो इंज पता लगता है अकबर कि तू हिम्मत हार बैठा। हिम्मत हारना मैंने तेरे दुधरे दसी ही नहीं मां इसके लिए मैं तेरे सिर के बारों की सौखा के कहना मैं उस जालिम को इंतकाम जरूर लवाना भावे रोजे मैशर उस जालिम मैंने रब गलो दार ही क्यों ना मंगना पवे। मुकद्दरा दे फैसले नाल टक्कर लैण दी कितनी वड्डी सौखा लई है वीरा अल्लाह तेरा निगहबान हो मैनू भी मेरे उसे अब्बा नाल मिला देवे जिन्हें मैं जन्म देने के बाद मैं अब्बा कहना भी नहीं सिखाया।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਵੀ ਵੰਗੀ ਏ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੌੜਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਨਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਏ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਚੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ जिस कुड़ी नू मैं तेरे डेरे विच मुंह बोली ती आख्या सी और रब दी सौ मेरी सक्की ती आ ते अज उसे ती नू बगैर चुक के लै गई ओए बगैर तेरी ती नू नहीं मेरी भैन नू चुक के लै गया चाचा ओए मैं उन्हें लभ के अज उसे गास चला देंगा ओए मैनू लभण लई बिजली वर्गी अखा ते क्या मैं जिड्डा हौसला चाहिए छोकिया पहला मैं साहब बड़ी वड्डी गलती की है हूं मैं उन्होंने मार के उस तो वड्डी अकलमंदी का सबूत देंगा तो फिर मुकद्रा ने ताड़ा साथ देता चौधरी जी अकबर शेर का अपने भरा अनमरी रिमांड कारण शहर गया है ते इस वेले अन्नी साबड़ा सिर ते उदी मां का परछावे तो फिर मैं उस परछावे दी मुश्किल कस देंगा तुसी जेड़ा लै के उहदे घर दे सामने खलोना मैं वेखांगा उहनूं अज मेरे हत्थों कौन बचांदा है दाता दे हुंदिया सानूं इस धरती ते फिकर करन दी की लोड़ है मेरे रब्बा इहनां बजुर्गां दा सदका मेरी अन्नी धी दियां मुश्किलां भी आसान कर दे किती चंगी तू मां हर वेले दाता दा नां लैके जींदी रहिंदी है कुछ बदमाश साबरा चुक के लै गए जी असल पुराने यार करीमे की धी सी करीमे की धी जे वो करीमे की धी सी तो फिर मेरी धी मैं तेरे चिट्टे वालों की सहु है पैना अज मैं उन्होंने बदमाशों इस धरती त नहीं रहन दिया तू मेरी कामयाबी की दुआ करी Thank you.
मेरा कोई कसूर नहीं, नहीं, और छेती बोलते अपने जुल्म की आवाज सुना, रब दा वास्ता दे मैनू कुछ ना कही, नहीं नहीं एवी ओनी, ओए एती उच्ची बोल कि तेरी बात छेती पछाणी जाए, पर मेरे सीने तो बुलंद चुकला है, ए आवाज जरूर उस जालिम दी होएगी, नहीं बाबला ए आवाज ओनी ओए तेरे मत्थे दा मुड़का दसदा है मुजरिम तू है, हूं कोई देर लाए बगैर छेती बोल ओए बोल ओए अपनी आवाज सुना बोल ओए और मैं कहना बोल नहीं तो क्या कर देंगा नहीं बोलदा तेरी पहन मन ने आके था ये फिर ये दिया खाना चांगन हम मैं खोगा एहो जे बेगैरत नु कतल करन दी मैनू पुरानी आदत है नहीं चाचा जिन्हां भैणां दे भरा जवान होण उन्हां दे प्यो बदला नहीं लैंदे होंदे ओए मेरे कोल मेरी भैण दा हक क्यों होया इस लई जवाना के शरीफ भरावां नू भैणां दे सिरां ते रहना चाहीदा है ते बदमाश भरावां नू कुर्बान होना चाहीदा है वे मेरे सिर दे साईं ते मेरे पुत्तर दिया कातला अज मेरे कोल बैठ के वहां गया। मैं अपनी भैन से बद होया सा चाचा अज उसे प्यो की जान बचा के उन्हें यतीम होने तो बचा लिया अपने जाओ कोई हिले तो गोली मार दिया लाज अपने कब्जे में ला लो गोली मैं अपने सीने से पहले ही खा लेती है थानेदार जी पर हूं मरण तो पहलो मैं एक वसीयत करनी चाहना वा कि मैं अपने भैन को एक चीज देना चाहना यह चीज मेरिया अखा ने मेरे मरण तो बाद मेरी भैन जरूर दे देना थानेदार जी जरूर दे देना अखा खोलो